witness the power of the punch. Only on Eros Now. उसकी आंखों में नींद रखने को रोज दुनिया में रात आती है, रोज दुनिया में रात आती है। बंद पलकों को खोलने के लिए रोज पलकों के दिल करता है। नहीं, अच्छी बात है। हम लोग को यहाँ दूरे काम करते हैं तो कम से कम लिटरेचर, पोएट्री, आर्ट, म्यूजिक, इनका भी पोएट्री, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छी बात। मैं इतनी शेरो शायरी पढ़ती और समझती नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक बहुत है तो मैं इसलिए आई हूँ। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा। तीन शेर एक और गजल के पेश कर। कल जहां दीवार थी है आज एक दर, देखिए। कल यहाँ दीवार थी है आज एक दर, देखिए। क्या समाई थी भला दीवाने के सर, देखिए। माना जी, जो जावेद साहब ने जिस तरह से आंसू और वक्त पर जो जिस तरह से शायरी की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जावेद अख्तर को मैं बेहतरीन शायर मानती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे शौहर हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शायरी में जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि वो उनकी शायरी किसी की गूंज नहीं है, अपनी खुद की आवाज़। फिल्मों में ये सब बहुत कम हो गया, बहुत ज़माने में हुआ करता था तो। हाँ, क्योंकि सिनेमा का माहौल चेंज हो गया है, फिल्में चेंज हो गई है, आइटम गाने का ज़माना ज़्यादा हो गया आजकल। लेकिन हाँ, लेकिन इसलिए मैं आज आया, मुझे खुद को लगा कि काफ़ी सालों से मैंने सुना नहीं था, और अच्छे अच्छे फनकार थे यहाँ पे, अच्छे अच्छे लोग थे जो मैं हमेशा सुनना चाहता था, जिनको मैं टेलीविज़न पे देखा या जिनके बारे में सुना था, और मैं खुद यहाँ पे आके मुझे देखने में बहुत मज़ा आया। सर, आपको क्या लगता है कि शशि रंजन जी, मेरे ख्याल से जो भी अपना हमेशा एक कुछ करते हैं, चाहे वुमेन सोसाइटी की बात करें हम, चाहे वो टेलीविज़न अवार्ड्स की बात करें हम, उनका हमेशा योगदान बहुत ही अच्छा रहा है। और आज जो मुशायरा का उन्होंने पहली बार एक इस तरह का माहौल सब लोगों को लेके आके एक प्लेटफॉर्म पर लाना, मेरे ख्याल से मैं उनको दाद देता हूँ, अनु जी को, शशि जी को, दोनों को, कि एक और वन मोर फैदर इन ओवरफ्लोइंग कैप ऑफ शशि रंजन अनु रंजन। सर, आपकी आपकी फिल्मों में कोई ऐसा देखेंगे हम, कोई कविता या कोई? नहीं, ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली हम उसको इंक्लूड करेंगे। फील द अनडाइंग रोमांस ओनली ऑन इरोस नाउ।